हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्मा बच्चा एंड होम। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना किचन टूर। ये एक सेमी फर्निश्ड किचन है जिसमें काउंटर टॉप है और उसके नीचे ड्रॉर्स बनी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी स्टोरेज स्पेस इसमें नहीं बनी है, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है और हम इसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट मुझे लगता था मैं कर सकती हूँ, वो मैंने इसमें किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ओपन किचन है। किचन की वन साइड पर काउंटर टॉप है और लाइक एनी अदर काउंटर टॉप इस पर भी गैस स्टोव रखा है। बर्नर के साइड में आप देख सकते हैं एक स्पून स्टैंड है जिसमें जो भी चमचे और जितनी भी हमारी चम्मचे हैं या जो डेली यूज़ के नाइफ्स हैं वो धुलने के बाद डायरेक्टली इसमें रखे जाते हैं ताकि वो बाकी बर्तनों के साथ मिक्स ना हो। स्पून स्टैंड के साइड में ही रखा है एक कप स्टैंड जिसमें जो डेली यूज़ के कप्स और मग हैं भी आप देख सकते हैं कि जितने भी बर्तन हैं वो धुले हुए हैं। तो जो बास्केट है बर्तनों की वो पूरी भरी हुई है क्योंकि किचन की सफाई अभी अभी हुई है थोड़ी देर पहले ही। काउंटर टॉप के लास्ट में है सिंक एरिया और सिंक एरिया के ऊपर ही वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है। काउंटर टॉप के एंड पर है एक बड़ी सी विंडो जिसके एक कॉर्नर पे रखे हैं क्लीनर्स, जैसे कि मैं होममेड क्लीनर्स बना लेती हूँ विनेगर वगैरह से, वो मैंने स्प्रे बॉटल्स में डालकर रखे हैं। हैंड वॉश रखा है, बॉटल ब्रशेस रखी हैं। बॉटल ब्रशेस को मैंने PNG पाइप के उसमें ही लगा रखा है और साथ में विंडो पर रखे हैं मेरे फेवरेट दो छोटे छोटे मनी प्लांट्स। एक को तो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन की बॉटल में ही लगा लिया है, अभी उसको डेकोरेट भी नहीं किया है, बट मुझे ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बर्तन धोने के साबुन और स्क्रबर को मैंने सूखने के लिए ड्राई बालकनी में रख दिया है क्योंकि अंदर धूप नहीं आती तो और वो गीले गीले अच्छे नहीं लगते। विंडो के साइड में मैंने एक कैलेंडर लगाया हुआ है जो ना सिर्फ डेट देखने के काम आता है बल्कि मैं इसमें अपना जो डेली का दूध का हिसाब है या जो ग्रोसरी का हिसाब है वो भी लिखती हूँ, और साथ साथ जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं किचन में और मुझे मार्केट से लानी होती है वो सब चीज़ें भी मैं इसमें लिख लेती हूँ। और इसके साइड में है ड्राई बालकनी का डोर जो कनेक्टेड है डायरेक्ट किचन से। काउंटर टॉप के नीचे ड्रॉर्स बनी हुई हैं अलग अलग साइज़ की जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर ड्रॉर्स अभी खाली होंगी या उनमें कम सामान होगा क्योंकि बर्तन सारे अभी धुले हैं और मैंने अभी उनको ड्रॉर्स में नहीं लगाया है। सबसे पहले जो ड्रॉर है वो प्लेट रैक है जिसमें सभी तरह की जो छोटी बड़ी प्लेट्स हैं वो मैं लगाती हूँ, साथ में जो चकला है या जो बर्तनों के ढक्कन है वो भी मैं इसी में रखती हूँ। तो नीचे वाली ड्रॉर है उसमें मैंने एक बड़ा कुकर रखा है जो कम यूज़ होता है, साथ में रखे हैं कुछ सॉस पैन और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन। इस वर्टिकल ड्रॉर में मैंने अपने कांच के ग्लास और कटोरियाँ रखी हैं जो कि यूज़ होती हैं रेगुलर बेसिस पे। गैस स्टोव की जस्ट नीचे वाली ड्रॉर में मैंने काफ़ी सारा सामान रखा है जो कि मुझे डेली बेसिस पे यूज़ होता है, जैसे कि पीलर है, चिमटा, दो कूलर रखे हैं इसमें, बेलन, सर्विंग बाउल्स, मेजरिंग कप्स। इसमें आसानी से मैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो ड्रॉर से इसे निकाल सकती हूँ। इस ड्रॉर के नीचे वाले ड्रॉर में मैंने सभी मसाले के जो छोटे डब्बे हैं वो रख लिए हैं, ये सब एक्स्ट्रा मसाले हैं। ये ड्रॉर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऊँची नहीं है, तो इसमें छोटे डब्बे ही आ सकते हैं, इसलिए मैं जो सारे मसालों के एक्स्ट्रा डब्बे हैं वो यहाँ पर रख लिए हैं। जो मसाले मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में लाती हूँ वो मैंने दूसरी जगह रखे हैं क्योंकि बड़े डब्बे इसमें नहीं आ सकते। मसालों के नीचे वाले ड्रॉर में मैंने टिफ़िन बॉक्सेस रखे हैं और साथ में कुछ खाली डब्बे भी इसमें रखे हैं, तो जब भी मुझे बॉक्सेस की ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। अगेन ये एक छोटी ड्रॉर है, इसमें मैंने जो ग्लास के टिफ़िन बॉक्सेस हैं और साथ में जो ग्लास के कुछ आइटम्स हैं वो रख ली हैं। ये बहुत ऊँची नहीं है तो इसमें छोटा सामान नहीं आ सकता है, तो मैं इसमें यही चीज़ें रखती हूँ। उसके नीचे अगेन एक ये छोटी ड्रॉर है जिसमें मैं जितनी भी कटोरियाँ हैं और ग्लासेस हैं जो यूज़ किए वो रखती हूँ। और फिर से एक बड़ी ड्रॉर है जिसमें ये ब्लेंडर रखा है और साथ में कुछ बड़े बर्तन रखे हुए हैं। एक पीछे एक छोटा प्लेट का स्टैंड है तो उसमें कुछ छोटी जो प्लेट्स रखी हुई हैं जो रेगुलर यूज़ नहीं होती। सिंक एरिया के नीचे भी मैंने एक स्टैंड रख दिया है और उस स्टैंड में मैंने बर्तन धोने का एक्स्ट्रा साबुन, हीट और उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, साथ में ये एक बड़ा सा स्टूल जो यूज़ होता है अगर मुझे कुछ उतारना होता है, और तो कई बार मेड इसको यूज़ करती है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये था हमारा काउंटर टॉप और उसके नीचे बनी हुई ड्रॉर्स। किचन की दूसरी साइड पे सबसे पहले रखा है फ्रिज। फ्रिज के किनारे पर ही मैंने एक क्यूट सी
छोटी सी बास्केट रखी है, इसमें मैं अपनी जो घर की कीज हैं वो रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे की रखने की और कोई स्पेस नहीं थी, तो ये बास्केट सबसे अच्छा आइडिया है यहाँ पे रखने के लिए। दूसरा, फ्रिज के ऊपर हम बाकी सामान नहीं रख सकते क्योंकि फ्रिज काफ़ी ऊंचा है और फिर वो मुझे दिखाई नहीं देता। और फ्रिज की ये साइड बच्चों का डिस्प्ले एरिया है जिसमें वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ उन्होंने स्कूल में की होती हैं या कुछ काम किया होता है वो यहाँ पे वो मैग्नेट की हेल्प से लगा देते हैं। और इसके अलावा जब भी कुछ एग्ज़ाम का कुछ शेड्यूल होता है तो वो मैं भी यहाँ लगा देती हूँ। फ्रिज की साइड में ट्रॉली पर ओवन रखा है और ट्रॉली में ही अंदर काफ़ी सारा सामान रखा है जो डेली यूज़ नहीं होता, जैसे सैंडविच मेकर, टोस्टर, मिक्सी के जार्स, कटोरियों के और कप के एक्स्ट्रा सेट्स और ये चॉपर। सबसे नीचे जो ड्रॉर है इस ट्रॉली में वो उसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज रखती हैं। तो ये ट्रॉली काफ़ी पुरानी है, बच्चों ने भी ख़राब कर रखी है, ये डिस्कार्ड में चली गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। ओवन के साइड में रैक पे एसओप की हेल्प से मैंने एक हैंगर लगाया हुआ है जो काफ़ी यूज़फुल है बच्चों की बॉटल्स हैंग करने के लिए, टिफिन बैग्स हैंग करने के लिए, किचन टॉवल हैंग करने के लिए या और भी कोई चीज़ जो मुझे यहाँ पे हैंग करनी है। और इसके साथ में ही रखा है ये बड़ा सा आयरन रैक, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी और मेरे पास काफ़ी सारा सामान था तो मैंने सामान रखने के लिए ये ओपन रैक खरीदा। इसमें सबसे ऊपर मैंने रखे हैं ट्रांसपेरेंट डब्बों में वो सामान जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता, वंस और ट्वाइस अ वीक यूज़ होता है, और कुछ काले रखी हैं जो रोटेशन में यूज़ होती हैं। नीचे वाली शेल्फ पे भी मैंने डब्बे रखे हुए हैं जिसमें रेगुलर यूज़ होने वाला सामान है, आप देख सकते हैं चीनी, पत्ती, मसाले के बड़े डब्बे, साथ में जो कम यूज़ होने वाली दालें हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आगे की तरफ रखी हैं और जो बड़े डब्बे हैं वो मैंने पीछे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो डब्बे बॉक्सेस मैंने यूज़ किए हैं वो ट्रांसपेरेंट है जिसमें मैं आसानी से देख सकती हूँ कि किसमें कौन सा सामान रखा है। ज़्यादातर डब्बे मैंने खरीदे नहीं हैं, ये जो भी हम सामान लेते हैं उनके साथ आते हैं। थर्ड शेल्फ पर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने के लिए मैंने इस एक्टिविटी बोर्ड का यूज़ किया है, ये छोटा हो गया था, बच्चों के यूज़ का नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी सारा छोटा छोटा सामान रखा है, जैसे जो क्लिप्स हैं एक्स्ट्रा पैकेट्स को बंद करने के लिए वो सब मैंने एक साथ रख ली हैं, प्लास्टिक के फॉक्स स्पूंस एक जगह कर दिए हैं, और इसके साथ ही एक बास्केट में बाउल रखी है जिसमें जो एक्स्ट्रा कॉइन्स होते हैं वो हम इस पर रख लेते हैं। और इसके नीचे रखा है चॉपर जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है, और इसके पीछे दूसरी चीज़ें रखी हैं। टेबल के साइड में रखा है स्पून स्टैंड जिसमें वो सभी स्पून्स रखी हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती, बड़े बड़े लैडल्स हैं, छलियाँ हैं, ये जो स्पून स्टैंड है ये डबल है और इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं इजीली। स्पून स्टैंड के आगे ही रखे हैं ये घी के बर्तन, ये छोटा बर्तन है जो रोज़ यूज़ होता है रोटियों पे घी लगाने के लिए, जब भी घी यूज़ होता है उसको यूज़ करने के लिए, और इस बड़े बर्तन में वो घी स्टोर करती हूँ जो मैं घर पर ही बनाती हूँ। साइड में रखी हैं ऑयल बॉटल्स, और कॉर्नर में रखे हैं मैंने ये दो बड़े डब्बे जिसमें से एक में रखे हैं कॉर्नफ्लेक्स और दूसरे में मैंने जो मैं घर पर ही नमकीन बनाती हूँ होम मेड डाइट मिक्सचर वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। उसके आगे जो ये बॉक्सेस रखे हैं, एक है मसाला बॉक्स और उसके ऊपर ये स्टील बॉक्स में मैं सूखा आटा स्टोर करती हूँ, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं उसको यूज़ करती हूँ, और उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट डब्बा रखा है ट्राइंगल शेप का, इसमें मैं एक्स्ट्रा किचन टॉवल है, साथ में जो कैसरोल में यूज़ होने वाले जो कपड़े होते हैं वो मैं इसमें फोल्ड करके रख लेती हूँ जिससे कि मुझे पता होता है कि मेरे किचन टॉवल्स और किचन के जो कपड़े हैं वो वहाँ रखे हुए हैं। और यहीं पे कॉर्नर में मैंने हुक की हेल्प से अपना जो एप्रन है वो भी यहाँ रख दिया है। और उसके नीचे वाले शेल्फ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा बड़ी जो प्लेट्स हैं जिसको हम थाल बोलते हैं, साथ में डोसा तवा है, चॉपिंग बोर्ड है, जो कि रैक में नहीं आ रहे थे वो सब मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और इसके साथ ये बड़े पतीले में मैं पानी स्टोर करके रखती हूँ किचन के काम के लिए, क्योंकि जो वाटर प्योरीफायर है वो स्टोरेज वाला नहीं है, और पीने के लिए मैं बॉटल्स में पानी स्टोर करके रखती हूँ जो कि डाइनिंग टेबल पर रखी रहती हैं। और इसके साइड में ये रखा है मिक्सर ग्राइंडर और जार जो बहुत ही रेगुलरली यूज़ होते हैं तो मैंने इनको बाहर ही रख लिया है, एक प्लेट स्टैंड जो धुली हुई प्लेट्स हैं उनको अलग से सुखाने के लिए, और ये कुछ कढ़ाइयाँ जो अभी रोज़ ही यूज़ होती हैं तो इनको भी मैंने बाहर ही रख लिया है।
और सबसे नीचे वाले शेल्फ पे रखे हैं एल्यूमिनियम के बड़े बड़े डब्बे जिनमें मैं स्टोर करती हूँ आटा, चीनी, चावल, एक्स्ट्रा बिस्किट और नमकीन के पैकेट्स। और इसी के ऊपर मैंने पराग रखी है जो आटा गूंदने के काम आती है, और कैसरोल जो रोटी रखने के काम आता है। और इसी के पीछे एल्युमिनियम फॉयल रखी है, हालांकि अब मैं इसको रेगुलरली यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी कभी ज़रूरत पड़े तो ये रखी हुई है। आलू और प्याज की टोकरियाँ मैंने बालकनी में रखी हुई हैं और मैं वहीं से उनको यूज़ कर लेती हूँ। किचन में यहाँ पे रखने की स्पेस भी नहीं थी तो वो मैंने बाहर ही रखी है। ओपन रैक्स में सामान रखने से इसे सफाई अच्छी होती है, डीक्लटरिंग भी हो जाती है साथ में, क्योंकि सब कुछ आपको दिख रहा होता है तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं आप उनको किचन से निकाल देते हो। इनफैक्ट मैंने जो कपड़े हैं अपने डेली यूज़ के वो भी इसी तरह के रैक्स में अरेंज किए हुए हैं। ये अलग बात है कि आपको इनकी सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि ये सामने सामने दिखते हैं, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल हैं डीक्लटरिंग करने में और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी इकट्ठा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा किचन जिसको मैंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हुआ है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।